सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस 2023 2024 में आप लोगों का सीयूटी है और मैं आप लोगों के लिए बहुत सोच समझ के एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, नाउन। अब आप लोग कहोगे अरे नाउन तो आता है यार। नहीं, ये जो नाउन है इस नाउन में फर्क क्या है, ये नाउन आपको जो है उस सीयूटी के नाउन वाले क्रैक करेगा। मतलब जो आपका बेसिक ग्रामर है वो नहीं है, इसमें बहुत सारे रूल्स होने वाले हैं, बहुत सारे जो है चीज़ ऐसे कराने वाला हूँ जो बहुत ही मज़ेदार हैं। इसमें 10 एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं जो आपके सीयूटी के एग्जाम में आते हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ऐसा है जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो है लेकिन इसके साथ साथ एडवांस भी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं नाउन। तो देखिए नाउन क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, थोड़ा मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने एमए बीएड बीए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, करियर काउंसलर हूँ। मुझे 5,000 पढ़ने का एक्सपीरियंस है। मैं आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन लव के साथ स्टार्ट करते हैं आपका क्या नाउन। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन, तो सबको पता है नाउन इज अ वर्ड दैट मीन्स पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग्स। नाउन संज्ञा इसे कहते हैं कि भैया जो वस्तु विचार लोगों की जगह जानवर इन सब चीज़ों के बारे में बताए उसको जो है हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, जॉनी इज अ गुड बॉय, तो जॉनी जो है एक नाम है तो ये आपका नाउन हो गया। इसके बाद द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो काउ जो है ये भी आपका नाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में कौन सा नाउन है भैया, तो ये हम सीखेंगे अभी। बाकी मैं बता दूं ऑनेस्टी एक नाउन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। उसके बाद टाइटैनिक इज द लार्जेस्ट शिप ऑफ द वर्ल्ड, तो टाइटैनिक जो है आपका एक नाउन हो गया। अब बात करें सर ये एब्स्ट्रैक्ट और किस टाइप के नाउन्स हैं, तो नाउन के बेसिकली बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने उन बेसिक प्रकारों की बात की, उस बेसिक करेक्टर्स की बात की है, बेसिक क्लासिफिकेशन की बात की है जो आपके सीयूटी में आने वाले हैं। जैसे क्या क्या भैया, सबसे पहला कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन और चौथा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद देखिए कि आपको कितने आते हैं इसमें से। आई गेस आपने स्क्रीनशॉट लेके देखा होगा इसमें से कौन कौन से आते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या होता है कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन रिप्रेजेंट वन और ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास और थिंग, कि भैया जितने भी मेंबर्स हैं क्लास में, जितने भी लोग हैं उन सब को जो देखा जाए उसे आप नाउन कहते हैं। कॉमन वर्ड में छुपा हुआ है जो अपने आप में कॉमन है। जैसे मैं बात करूं बॉय की, तो बॉय, गर्ल, मदर, फादर, बेबी, चाइल्ड, टीचर, मैन, वेमेन, स्टूडेंट्स, ये किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहा है क्या? क्या ये राम की बात कर रहा है? क्या ये श्याम की बात कर रहा है? क्या सीता की बात कर रहा है? नहीं, ये कॉमन बंदे की बात कर रहा है, कॉमन पर्सनैलिटी की बात कर रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं नाउन। तो नाउन क्या है भैया, कॉमन नाउन रिप्रेजेंट वन एंड ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास, एक क्लास के सारे मेंबर्स को, सारे लड़के, तो जो लड़के हैं ये क्या हुआ, ये कॉमन नाउन हो गया। सारी लड़कियां हैं ये सब क्या, ये कॉमन नाउन हो गया। जैसे मैं बात करूं बुक, तो कोई सी भी किताब ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, बुक, टेबल, कंप्यूटर, पेन एक्सेट्रा। एनिमल्स की बात की जाए, बर्ड, डॉग्स, कैट, तो मैंने नहीं बताया भैया कौन से बर्ड की बात कर रहा हूँ, सब सारे बर्ड्स, तो सारे बर्ड्स के लिए बर्ड क्या हुआ, कॉमन हुआ, ठीक है। डॉग, कैट, काउ, गॉट, वॉल्फ, टाइगर एक्सेट्रा। प्लेस की बात की जाए, सिटी, कंट्री, स्टेट, कैपिटल, बीच, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, ये सब आपका कॉमन नाउन है। आई गेस क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू नेम ऑफ कलेक्शन और नंबर और ग्रुप ऑफ थिंग्स और पर्सन टेकन टुगेदर एंड कंसिडर्ड एज अ होल। देखो कलेक्टिव और कॉमन में कुछ खास फर्क नहीं होता है, कलेक्टिव इन द सेंस सबको एक साथ लेके चलना, इन द सेंस ग्रुप, ठीक है। जब ग्रुप की बात हो तो कलेक्टिव हो, जैसे मैं बात करूँ क्राउड, तो क्राउड क्या है, क्राउड एक ग्रुप है। क्लास की बात करूँ क्लास क्या है, क्लास एक ग्रुप है। आर्मी क्या, आर्मी का ग्रुप है, ठीक है। मोब, गैंग, टीम, जूरी, फैमिली, हर्ड, कमिटी, ये सब क्या है, ये सब आपका एक ग्रुप है। ऑडियंस, काउंसिल, पब्लिक, नेवी, कैबिनेट, ग्रुप्स, ठीक है, कंपनी, सोसाइटी, ट्रिपल, कॉपरेशन, सैनिटी, फैकल्टी, बोर्ड एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, ये सब कलेक्टिव है। इन अ सेंस में महिला भी है, पुरुष भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्लास इलेवंथ, तो क्लास इलेवन में गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, कोई छोटा भी है, कोई छोटा भी बड़ा भी है, ये सब क्या, ये सब कलेक्टिव नाउन है, सब एक साथ है, समूह जिसे बात करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन और नाउन में कोई डिफरेंस नहीं होता, प्रॉपर नाउन भी वही होता है जो नाउन होता है, मतलब नाउन एंड प्रॉपर नाउन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डेफिनेशन है भैया, प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग, ठीक है। वही डेफिनेशन नाउन की भी थी, वही डेफिनेशन प्रॉपर नाउन की भी है कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। हाँ, एक चीज याद रखना है, क्या प्रॉपर नाउन अगर आप यूज कर रहे हो तो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ राम, तो राम का जो आर है वो हमेशा कैपिटल होगा। श्याम, सिकदा, रिक्तिका, रफ्ताज, पैलेस, मुंबई, चाइना, इंडिया, टाइटैनिक, जुपिटर, इस दुनिया जहां में जो भी, अगर मैं बात करूँ पेन की, तो पेन भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। तो जो अपने आप में प्रॉपर नाउन है, ठीक है, जैसे मैं बात करूँ मैं अपनी बात कर लेता हूँ यार, अनअकैडमी की, अनअकैडमी अपने आप में एक ग्रुप भी है लेकिन प्रॉपर नाउन भी है, ठीक है जी। आगे बात की जाए मेटलिस्टिक नाउन, ये किससे बना हुआ है भैया, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। दुनिया में आजकल हर किसी को गोल्ड पसंद है, ठीक है, सब कैसा मेटेरियल है, मेटेरियल इन सेंस जो धातु हो। मेटेरियल नाउन रेफर्स टू नेम ऑफ अ मेटेरियल, सब्सटेंस और इंडिकेट्स ऑफ
समथिंग मतलब किसी चीज का जो है वस्तु होना, धातु होना, इसको मटेरियल नाम से आयरन, स्टील, कॉपर, गोल्ड, कोयल, सिल्वर, मिल्क, वाटर, टी, सुगर, वीट, ये सब क्या है, ये सब के सब आपके मटेरियल हैं, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है जी, नेक्स्ट की बात कीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मैंने अभी आपको बताया, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, भाव। जब हम भाव की बात करते हैं तो उसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, क्वालिटी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेवरी, विजडम, हीरोइज्म, स्पिरिटी, डार्कनेस, काइंडनेस, ये सब क्या है, ये सब आपकी करैक्टर है, ये सब आपके भाव हैं। एक्शन की बात कीजिए, जजमेंट, मूवमेंट, लाफ्टर, हेटेड एक्सेट्रा। स्टेट की बात कीजिए, सेंस वो जो अवस्था होती है, चाइल्डहुड बचपन एक अवस्था है, बॉयहुड, यूथ, डेथ, पॉवर्टी, सीरियसनेस, स्लीप, स्लीप, ये सब क्या, ये सब एक अवस्था है, तो ये सब भाव हैं। ठीक है, जिसको हम देखो, एक चीज़ और समझ लो, ये इंटेंजिबल है, आप इसे देख नहीं सकते। ठीक है, आप बस इसे महसूस कर सकते हो, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसको आप देख सकते हो आपका मटेरियल होता है। ठीक है जी, आइए बात करते हैं रूल्स की। देखो, जितना मैंने अभी अब तक बताया, ये आपको गूगल पे या आपको यूट्यूब पे न जाने लाखों वीडियोस मिल जाएंगे नाउन की, लेकिन अब जो बताने वाला हूँ ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ये बहुत कम लोगों को पता है, 10 ऐसे नाउन के रूल जो आपके सीयूटी में, आपके जिंदगी में बहुत काम आने वाले। आइए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, द आर्टिकल ए एन एन एक्सेट्रा आर नॉट यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन। देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। रूल नंबर 1 पे आ जाइए प्लीज। हाँ, और यहाँ पे एक पैर पेन दे दीजिए मुझे प्लीज। या परफेक्ट। देखिए, आपको पता है ए और एन ये दोनों आर्टिकल हैं, आपको पता है द भी एक आर्टिकल होता है, ए एन द। ठीक है, तो जो ए और एन है ये क्या दिखाते हैं, दिखाते हैं एक कोई सिंगल को दिखाते हैं, हाँ या ना। हाँ जी, कोई सिंगल को दिखाते हैं, सिंगलर को। तो जो चीज अनकाउंटेबल है, जिसे आप गिन ही नहीं सकते, जिसे आप गिन नहीं सकते, उसे आप सिंगल कैसे कह सकते हो, नहीं कह सकते ना। जैसे सीनरी, तो सीनरी भी आप गिन नहीं सकते ना, कितनी सीनरी। एडवाइस, तो एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वाटर, राइस, वाटर गिन नहीं सकते आप। ठीक है, राइस, हेयर, तो ये सब क्या, ये सब अनकाउंटेबल है, तो यू कांट यूज। जैसे अ कप ऑफ कॉफी नहीं होता, ठीक है, कॉफी होता है, कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ अ कॉफी नहीं होता। ठीक है, तो अ यूज नहीं करते हैं। ठीक है जी, देखो अ कप ऑफ कॉफी हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है कप की बात हो रही है, यहाँ पे कॉफी की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो अ कॉफी नहीं हो सकता। पर यहाँ पे बात की जाए, अ सीनरी ऑफ हिल्स इज वेरी चार्मिंग, तो ये तो अ नहीं हो सकता, एक सीनरी नहीं होता, द सीनरी। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, अ इन्फॉर्मेशन, गिव मी अ इन्फॉर्मेशन नहीं होता, गिव मी इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अ नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल चीज़ है। नेक्स्ट की बात की जाए, रूल नंबर 2, सम नाउन सीम सिंगुलर बट प्लुरल। कुछ नाउन दिखते सिंगुलर है पर होते प्लुरल, जैसे कैटल की बात की जाए, पीपल की बात की जाए, चिल्ड्रन की बात की जाए। बहुत सारे लोग जो है चिल्ड्रंस में एस लगा देते हैं, तो चिल्ड्रन अपने आप में प्लुरल है, तो इसमें भैया आप एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ये कहना गलत होगा, तो चिल्ड्रन इज नहीं है, चिल्ड्रन अपने आप में क्या है, एक प्लुरल, तो चिल्ड्रन आर ही होगा। द कैटल इज ना होके तो कैटल आर ही होगा। ठीक है, जब पुलिस इज नहीं होगी, पुलिस आर ही होगा, क्योंकि क्या है ये अपने आप में एक प्लुरल है। क्या है भैया, प्लुरल है, बहुवचन है। पुलिस किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही है, किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही, पीपल कोई एक बंदा नहीं है। ठीक है, सम नाउन सीम प्लुरल बट सिंगुलर, कुछ नाउन दिखते प्लुरल है पर होते हैं सिंगुलर। जैसे इसके बाद की जाए, एस 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 लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सब दिखने में प्लुरल है पर हैं सिंगुलर। जैसे न्यूज़ की बात की जाए, फिजिक्स की बात की जाए, इकोनॉमिक्स की बात की जाए, मैथमेटिक्स की बात की जाए, ट्रेवल्स की बात की जाए, पॉलिटिक्स, ठीक है, इन सब चीज़ें क्या, ये सब आपके भैया सिंगुलर हैं और सिंगुलर ही रहेंगे। जैसे हम ये कहना गलत होगा, द न्यूज़ आर, आपने एस के बाद सोचा कि भैया प्लुरल है, आर लगा रूँ, नहीं, लेकिन द न्यूज़ इज होगा, क्योंकि अपने आप में सिंगुलर है। पॉलिटिक्स आर नहीं होता, पॉलिटिक्स इज अ डॉटी गेम होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लुरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक प्लुरल वर्ब। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लुरल फॉर्म में भी होते हैं, उनको प्लुरल वर्ब में भी देखा जाता है। जैसे बात कीजिए, एसेट्स के, आर्म्स के, आर्काइव के, आचिस, एथलीट्स, वेजेस, ठीक है, स्पीसीज, ठीक है, सीजर्स, ये सब दिख रहा है आपको, ट्राउजर्स, ये सब दिख रहा है आपको कि भैया आपका जो है एस लग रहा है, तो प्लुरल है, प्लुरल यूज करो। जैसे हर रिचेज इज नहीं होगा, हर रिचेज आर होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, जो प्लुरल दिख रहा है उसको प्लुरल मानो, बहुत सारी चीज़ें यही हैं। आगे, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म एज सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल। शिप, फिश, क्रू, फैमिली, डियर, एयरक्राफ्ट, स्पीसीज, सीरीज, ठीक है, ये आप सेम मानो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द सेंस, अपने यहाँ चाहे एस लगाओ, चाहे सॉरी इसमें चाहे आप इज लगाओ, चाहे आप आर लगाओ, दोनों सेम ही बात है। ऐसे मैं बात करूँ, दिस इज माई फेवरेट टी वी सीरीज, ठीक है, तो इज लगा दो, चाहे देयर आर मैनी टी वी सीरीज, ठीक है, तो इज भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा। जैसे द डियर इज रनिंग, द डियर आर रनिंग, ठीक है, तो आप इज भी लगा सकते हो अगर एक की बात कर रहे हो, आर लगा सकते हो अगर बहुत की बात कर रहे हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सिंपल सा है, बहुत ईजी भी था ये। नेक्स्ट की बात की जाए, रूल नंबर 6 की बात की जाए, बाल को, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब
एग्जाम्पल राइस, न्यूज, पोएट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैंने आपको बताया। राइस आर गुड फॉर वेट लॉस नहीं होता, राइस इज होता है, ठीक है। आप कहोगे कि भैया राइस बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसको क्या माना जाता है, इसको सिंगुलर माना जाता है, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स आर नहीं होगा, इकोनॉमिक्स इज होगा, भले उसके पीछे एस क्यों ना लग रहा हो। रूल नंबर 7, व्हेन काउंटिंग इज यूज बिफोर नंबरल नाउन, ऑफ इज नॉट यूज आफ्टर एन। जैसे मान लो एक काउंटिंग यूज हो रही है, तो काउंटिंग यूज हो रही है तो उसका आप कभी भी पीछे ऑफ नहीं लगा सकते। जैसे मैं बात करूं डोजन, तो डोजन का मतलब डर्जन, तो डोजन ऑफ बनानास, तो अगर उसके पीछे लगा रखा है क्या हमने वन लगा रखा है, तो आप ऑफ नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे आप? वन डोजन बनानास, हाँ। लेकिन अगर मान लो वन नहीं लिखा होता तो आप ऑफ लगा सकते, डोजन ऑफ बनाना हो सकता है, लेकिन वन डोजन ऑफ बनाना, तो अगर इसका आगे नंबर लगा दिया है तो भी आप उसके बाद ऑफ नहीं लगाओगे। जैसे एक और अगर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, तो 1 मिलियन, तो 1 मिलियन ऑफ रुपीज नहीं होगा, 1 मिलियन रुपी होगा, ठीक है जी। रूल नंबर 8, व्हेन काउंटिंग इज नॉट यूज, भी काउंटिंग यूज नहीं हो रहा तो आप ऑफ लगाओ, दबके लगाओ। जैसे डोजन ऑफ बनानास लगा सकते हो आप, 100 ऑफ ब्लैंकेट्स, 1000 ऑफ बर्ड्स, लेकिन अगर यहाँ पे लगा दो 1000, तो 1000 ऑफ ना होके 1000 बर्ड्स हो जाएगा, ठीक है जी, 2000 बर्ड्स हो जाएगा अगर नंबर लग गया इसके पीछे, तो आगे तो सॉरी। नेक्स्ट रूल नंबर 9, सेकंड लास्ट रूल, सम नाउन्स इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर आर प्रिपेयर्ड बाय द इंडेफिनेट नंबर, देन दे रिमेन अनचेंज्ड। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप में इंडेफिनेट होते हैं, उसके आगे कभी भी आप एस और एस मत लगाओ, लाइक ये कहना गलत होगा। जैसे इसमें बोला रखा है दैट आई बॉट 3 pairs, तो पेयर्स कुछ नहीं होता, पेयर होता है, तो आई बॉट 3 pair ऑफ शूज, तो ठीक है, तो बॉट ही देखो 3 लगा सकते हो आप, ठीक है, नंबर लगा दिया आपने, लेकिन आप इसके पीछे एस लगा सकते हैं। मैं बोलूँ हंड्रेड्स नहीं होता, मिलियंस नहीं होता, ठीक है, आप इसका लगा दो 5 million, ठीक है, लेकिन 5 millions नहीं होता, ठीक है जी। रूल नंबर 10 एंड लास्ट रूल, कलेक्टिव नंबर कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लुरल, इफ इफ देयर इज यूनिटी देन इज यूज एज सिंगुलर, इफ देयर इज, देखो से इफ देयर इज नो यूनिटी देन इज यूज एज अ प्लुरल, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ, देखो क्या बोला था, कलेक्टिव नंबर जो होते हैं, ठीक है, अगर वो सिंगुलर तब होंगे जब वो यूनिटी में हो। जैसे मैं बोलूँ द ज्यूरी हैज टेकन एन अर्जेंट डिसीजन, तो यहाँ पे हैज क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया सबने एक ही डिसीजन ले रखा है, लेकिन द ज्यूरी आर डिवाइडेड, अब यहाँ पे आर क्यों आ गया भैया, इस यहाँ पे इस क्यों नहीं आया, तो भैया अगर क्योंकि वो डिवाइडेड है, अलग अलग बात है। अगर मैं बोलूँ द ज्यूरी इज टेक अवर डिसीजन, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ज्यूरी ने सबने एक ही डिसीजन ले रखा है, लेकिन यहाँ पे आर क्यों है, क्योंकि सब लोग डिवाइडेड है। तो जब कलेक्टिव नंबर एक ही, जैसे मैं बात करूँ क्राउड की बात करूँ, तो मान लो क्राउड जो है, क्राउड इज स्क्रीमिंग, तो क्राउड इज स्क्रीमिंग इज क्यों आया, क्योंकि भैया यहाँ पे सब क्राउड एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बात करूँ क्राउड्स आर रनिंग स्क्रीमिंग, तो यहाँ पे अब आर क्यों है, क्योंकि क्राउड अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल था। रूल नंबर 10, अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की, 5 questions मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे। द ब्यूटी ऑफ द अर्थ इज फेडिंग एंड वी शुड नॉट स्पॉइल ब्यूटी, स्पॉइल हिज ब्यूटी, स्पॉइल हर ब्यूटी, क्या आएगा भैया, ए बी सी या डी, तो मैं इसका कराना हूँ तो इसका आएगा स्पॉइल हर ब्यूटी। सर यहाँ पे हर ब्यूटी क्यों आया, देखो ब्यूटी जो है ना वो एक फेमिनाइन है, इन द सेंस नारीवाद है, तो यहाँ पे जो है हम हर लगा देंगे। ये सन की बात की जाए तो सन जो एक मस्कुलाइन है, इन द सेंस मेल है, तो मेल है, तो यहाँ पे भी हम हिज लगाते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें पावर दिखाते हैं, जिसमें भी पावर दिखाया जाए वो मेल होता है, जिसमें ब्यूटी ब्यूटी प्योरिटी दिखाया जाए वो फीमेल होता है, ठीक है। तो वी शुड नॉट स्पॉइल हर ब्यूटी, तो यहाँ पे हर आएगा, हिज नहीं आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात की जाए, डैश टू स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक चांसेस एंड द एबिलिटी टू परसुएड, परसुएड इन द सेंस होता है मनाना, परसुएड अदर्स टू फॉलो, ही हैड अ करेज, ही हैड करेज, ही हैड अ करेजेस। तो मैंने बताया था करेजेस एक हिम्मत है, हिम्मत एक एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट को आप क्या काउंट कर सकते हो, इट इज काउंटेबल, नो इट इज नॉट काउंटेबल, तो ए तो आएगा ही नहीं, तो क्या हो गया भैया, तो भैया आपका बी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड की बात की जाए भैया, सॉरी, वर्क डज नॉट स्टॉप फॉर अनटिल डे अनटिल डैश सेफली पेंड इन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था केटल्स जो अपने आप में दिखते सिंगुलर है पर होते क्या है, उन्होंने प्लुरल है, तो जो चीज प्लुरल होती है उसके आगे आर लगता है। बाय माई रीड डैश अ केस सिंगुलर सुमित, सॉरी अ केस अगेंस्ट सुमित, ऑल द पुलिस आर, पुलिस क्या है भैया, सिंगुलर है प्लुरल है, तो भैया मैं आपको बता दूँ सिंगुलर तो है नहीं, सिंगुलर है तो इज और हैज तो आएगा नहीं, अपने आप में क्या है, अपने आप में प्लुरल है। नेक्स्ट, विथ नो इमीडिएट एप्लीकेशन फिजिक्स, तो अब फिजिक्स क्या आगे ऐसा लग रहा है, क्या ये प्लुरल है, नहीं भैया ये क्या ये सिंगुलर है, तो जब वो है ही नहीं तो भैया क्या जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश ऑन अ पार विथ दोज ऑफ मैनुअल वर्कर्स, द वेजेस ऑफ क्लर्क आर, द वेजेस ऑफ क्लर्क इज, द वेजेस ऑफ क्लर्क वर, तो भैया मैं आपको बता दूं दोबारा, वेजेस आ गया, ई एस आ गया, लेकिन क्या एक सिंगुलर की बात हो रही है, तो भैया अरे आंसर नहीं दे रखे, अच्छा ये तो आपको करने थे ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो बाल को ये 6 to 10 आपको करने हैं, मैं आपको दिखाया था, आप टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है जी, टेक अ स्क्रीनशॉट बाल को।
ये सिक्स था, ये सेवन्थ है, एट नाइन टेन एंड दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप अभी भी सोचो कि भैया हमें कोर्स ज्वाइन करना है तो CUT भैया आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जो है हमारा बेहतरीन बैच स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, मेरा खुद का एक इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो चुका है जो TTS में चल रहा है। इसके अलावा अगर आप साइंस के हैं, अगर आप कॉमर्स के हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी के हैं, तो बहुत ही दिग्गज जो है टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए। अभी भी आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, जाइए CUT का कोर्स लॉन्च कीजिए, ठीक है। टीम ह्यूमैनिटी है, ठीक है। और हमारा खुद का एक LGT का बैच आ रहा है जिसमें वरुण सर, शीतल मैम और मैं पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश और GS, ठीक है जी। और मात्र 1200 रुपये में अवेलेबल है पूरे साल का, ठीक है। अगर आप क्लास 12th में, तो क्लास 12th और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक है। और हर बार डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड लगाना है 100 में 100 RD100। क्या लगाना है भैया आपको? RD100, डेट इज RD100 आप लगाइए, आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ लगाना रेफरल कोड में, ठीक है, RD100, यू गॉट डिस्काउंटेड। और थैंक यू सो मच वंस अगेन भैया, ये आपके अलग अलग कॉम्बो प्लान है, 12 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, चाहे आप उसमें वो ले आइकॉनिक ले, चाहे आप उसमें CUT लैंग्वेज लें, चाहे आप कॉमर्स लें, हर स्ट्रीम का अलग अलग है। हमारा जो है 1200 रुपये का मस्त प्लान है भैया, और जाइए जल्दी से ले लीजिए, और ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसकी PDF नीचे टेलीग्राम पे है। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, टेल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।